आज हमारे किचन में बन रहा है डिब्बी वाला दही, वही दही जो हम मार्केट से लेके आते हैं। आज मैं आपको खास ट्रिक के साथ दही बनाना बताऊंगा, जिससे पतले दूध से भी, अगर आपके यहाँ पतला दूध भी आता है, तब भी आप एकदम थक्केदार गाढ़ा दही तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ घंटों में। और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मिनटों में ही दही जमा के तैयार कर लेंगे। अब टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों आपको बिल्कुल भी, जब भी आपका मन हो मार्केट वाला डिब्बी वाला दही आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने ले लिया है दूध। आगे की जानकारी दूं दोस्तों, उससे पहले आप हमारी यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारा पिछला थैंक्स जाता है विपिन जी को मुरादाबाद से और मोनिका जी को हरियाणा से। तो दोस्तों जो भी आपके घर में दूध आता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और उसी के साथ दोस्तों आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए कॉर्नफ्लावर का, जो कि आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आपको दोस्तों एक चम्मच भर के पूरी आपको कॉर्नफ्लावर ले लेना है, एक बाउल में आप इसको डाल लीजिए, और दोस्तों आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए थोड़ा सा पानी। लगभग दोस्तों आप 3 से 4 चम्मच के आसपास इसमें पानी ऐड करके इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसे ही दूध आपका गर्म हो जाए, अच्छे से एक उबाल आ जाए, उसके बाद आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके टेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो डिब्बी वाले दही से दोस्तों 21 ही होगा, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको घर पे ही बना के तैयार किया है, और इसका जो टेस्ट है वो मैंने खुद चखा है। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से कॉर्नफ्लावर डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और इसको दोस्तों हल्का थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसका वेट करेंगे। धीरे धीरे हमें इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब ये दोस्तों धीरे धीरे गाढ़ा हो, तब तक हम आगे की प्रतिक्रिया कर लेते हैं, जिससे कि हमारा दही एकदम बिल्कुल चक्केदार और एकदम बिल्कुल गाढ़ा बन के तैयार हो। तो हम इसको दोस्तों मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आपको एक कटोरी में लगभग 1.5 से 2 चम्मच के आसपास जामुन ले लेना है। जामुन लेने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से फैट लेना है। अब फैटते समय दोस्तों आपको लगभग 20 से 25 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन आपको इसको अच्छे से फैट लेना है। फैटने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा जो मिश्रण है, जो हमारा दूध है और कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर डाला था, वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब गाढ़ा होने के बाद दोस्तों आप इसको एक बार चम्मच की मदद से या फिर कड़छी की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर आपको रखना है, ना कि आपको एकदम फिर बिल्कुल ठंडा रखना है या फिर एकदम बिल्कुल आपको गर्म रखना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर आपको रखना है, जैसे कि आप गुनगुना जो दूध पीते हैं उस तरीके का रखना है। फिर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए जामुन। जामुन ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसे फिर से वापस से अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना होगा। तो आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, और दूसरी ट्रिक जो दोस्तों कौन सी होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दोनों ट्रिकों में से दोस्तों आपको कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह की एक डिब्बी ले ली है। अब डिब्बी के अंदर दोस्तों हम सारा का सारा जो दही है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दो तरीके से बताऊंगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि मुझे 2 डिब्बियों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम दोस्तों दोनों डिब्बियों में से एक डिब्बी में अलग दही जमाएंगे और दूसरी डिब्बी में अलग तरीके से दही जमाएंगे। तो इस तरीके से मैं एक डिब्बी के अंदर जो है वो दही डाल लेता हूँ, और इसी तरीके से दोस्तों मैं दूसरी डिब्बी के अंदर भी दही डाल लेता हूँ। तो दोनों डिब्बियों में हमने दही डाल लिया है। अब इसको जो दोस्तों जमाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक फॉइल पेपर का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो आप एक फॉइल पेपर ले लीजिए कुछ इस तरीके का, जो कि सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यह वही फॉइल पेपर है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम घर में अक्सर टिफ़िन में करते हैं, बच्चों की रोटी डालते हैं, या फिर हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं घर वाले उनके लिए हम डालते हैं। तो वही फॉइल पेपर का आपको इस्तेमाल करना है, और इसको अच्छे से सेट कर देना है आपको। सेट करने के बाद एक आप रबर ले लीजिए, और रबर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे अच्छे से कवर कर देना है। इस तरीके से आप इस पर अच्छे से रबर को जो है वो सेट कर दीजिए। अब सेट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पहला तरीका हमारा दही जमाने का कैसा रहेगा, और दूसरा जो तरीका है हमारा दही जमाने का वो कैसा रहेगा। तो इस तरीके से दोनों पे हमने अच्छे से रबर सेट कर देना है। रबर सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको एक पैन लेना होगा।
अब पैन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मीडियम फ्लेम रखा है और इस तरीके का पैन ले लिया है। अब आपको ले लेना है एक फॉइल पेपर जिसको आप 4 टाइम फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इसमें अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जो एक डिब्बा है वो इसके अंदर आप रख दीजिए और रखने के बाद आप इसे किसी भी चीज़ की मदद से अच्छे से ऊपर ढक दीजिए। आप थाली की मदद से भी ढक दीजिए। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें पानी डालिए, एक कटोरी को उल्टा रखिए और फिर इसके ऊपर दोस्तों इसको रख दीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसको भी आप इस तरीके से ढक के किसी भी बर्तन से रख दीजिए। फिर दोस्तों लगभग आप 15 मिनट तक रखे रहने दीजिए। जो पैन में हमने डाला था उसको आपको 3 से 4 घंटे के लिए रखना होगा और इसको दोस्तों जो हमने पानी के अंदर रखा है उसको आपको रखना होगा मात्र 15 से 20 मिनट। तो आप देखेंगे कि आपका जो दही है वो एकदम बिल्कुल अच्छे से चक्केदार दही बन के तैयार हो जाएगा, जिसका टेस्ट दोस्तों मार्केट वाले से 21 ही होगा, ना कि 19 होगा। बहुत ही हमारा अच्छा और चक्केदार जो दही है वो बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी यह दही की खास ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।